दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं अगरनाल, देख रहे हैं एजी माथव चैनल। दोस्तों आजकल जो है इंडिया में नए नए नियम लागू होते जा रहे हैं ज़मीन से रिलेटेड, ठीक है। ज़मीन को लेकर नया नया नियम लागू हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और आपने सुना होगा कहीं पर जो है, जैसे मान लीजिए कि बहुत पुराना साल 10 साल हो गया है, पहले ख़रीदा हुआ ज़मीन में कोई आँच नहीं था, लेकिन अब जो क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि वहाँ पे कोई सरकारी ज़मीन को ही बेच दिया है, तो सरकारी ज़मीन को खरीद कर कोई लफड़े में फंस गया है, तो कुछ बहुत सारे विवादें आते रहते हैं। आपने देखा होगा, समझा होगा, जो कि जब आपने ख़रीदा उस समय एकदम साफ सुथरा नज़र आ रहा था, लेकिन बाद में पता चला आपको कि वो ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन निकल रहा है, वो जो उस ज़मीन में कहीं धोखाधड़ी है, उस ज़मीन में कहीं कुछ प्रकार का है, इस टाइप का जो है बहुत सारे जो है विवादें आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बचने के लिए दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको ध्यान में रखकर ही, कभी भी जब ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में नए नए नियम भी लागू होते जा रहे हैं। और लोगों ने कई बार आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे जो है कहीं कहीं पर बुलडोजर चल जा रहे हैं, किसी का मकान बना हुआ मकान भी धसा दिया जा रहा है, कहीं पे किसका कुछ हो जा रहा है, इस टाइप का भी आपने सूचना सुना होगा, देखा होगा आंखों के सामने, इस टाइप का बहुत सारे जो है मामला फंस रहे हैं। तो ठीक है, तो ऐसे मामले में दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो सोच समझ कर ही आप लोग को ज़मीन जायदाद खरीदना चाहिए, ताकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो डॉक्यूमेंट्स जो चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों जब भी हम लोग जो है ज़मीन खरीदने से पहले हमें जो भी बेचने वाला व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति से सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स लेना चाहिए हमें, कि उसका जो खतौनी उनसे ज़रूर मांग लेना चाहिए। खतौनी के साथ साथ में इसके दोस्तों उसके दूसरे नंबर में होता है कि आपका रजिस्ट्री कॉपी, सेल डीड। जो सेल डीड कई प्रकार के होते हैं, जो कि पुश्तैनी की ज़मीन का सेल डीड हो सकता है, पुश्तैनी की ज़मीन हो, चाहे तो आपका जो है दादा परदादा का खरीदी हुई ज़मीन हो उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ पे, या फिर जो कोई लीज का ज़मीन हो, या फिर जो है कोई दान में मिला हुआ ज़मीन हो, इस टाइप का आपने डील होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसको सबसे पहले आप लोग को मांग लेना चाहिए, यानी कि खतौनी, ज़मीन का खतौनी जो बेचने वाला व्यक्ति है उसका, उस ज़मीन का खतौनी और जो है रजिस्ट्री कॉपी, सेल डीड जिसे बोलते हैं, वो आपको मांग लेना चाहिए, ठीक है। तो उससे आप लोग को पता चल जाता है कि कहीं ये दान का वाला ज़मीन तो नहीं है, या फिर जो है ये किससे ख़रीदा हुआ ज़मीन था वो आपको पता चल जाएगा, और किससे वो क्या था वो सारी चीज़ आपको डिटेल्स में मिल जाती है, या पुस्तक की ज़मीन है वो चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। तो उसके माध्यम से वो दोनों डॉक्यूमेंट जो मिल आपको लेना चाहिए, लेने के बाद आपको जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। अगर आपको जो है ये चीज़ें नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन तरीके से भी जो इसको निकलवा सकते हैं, बस ये है कि उस ज़मीन का जो डिस्क्रिप्शन आपको जानकारी होना चाहिए, यानी कि उनसे आप पूछ लेंगे कि उसकी ज़मीन का डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि कौन सी गांव में है, कौन सी मौजा में वो ज़मीन और प्लॉट, और उस प्लॉट का खसरा नंबर क्या है, रकबा क्या है। इतना अगर आप जान लेते हैं तो आप अपने मोबाइल माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं, उसमें से सर्चिंग करके जो है आपको निकाल सकते हैं, वहाँ से पूरा उनका बायोडाटा भी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, एक तो सर्च रिपोर्ट होता है जो कि आप वकील के माध्यम से सर्च रिपोर्ट बनवा सकते हैं। सर्च रिपोर्ट के माध्यम से आपको क्या होता है, 30 वर्ष का जो है वहाँ सर्चिंग मिल जाता है, जो कि 30 वर्ष में क्या जो बायोडाटा मिल जाती है, उसमें पहले 30 वर्ष पहले किसका ज़मीन था, उसके बाद उन्होंने किसको बेचा है, किसको बेचने के बाद किसने ख़रीदा है, किस फिर खरीदने के बाद और किसको बेचा उसने या नहीं बेचा है, पूरा डिटेल जानकारी मिल जाती है। और दोस्तों आप लोग को ये भी जानकारी मिलती है वहाँ पे कि आपको जो है क्या वो ज़मीन लोन पे तो नहीं है, वो जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है उस ज़मीन में कहीं लोन तो नहीं चल रहा है, ये चीज़ें भी आप लोग को जानकारी मिल जाती है। कहीं विवाद वाला ज़मीन तो नहीं है, कहीं कोई एग्रीमेंट तो नहीं बना हुआ है, कोई लीज में तो नहीं लिया है इस ज़मीन को, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल जानकारी मिल जाती है। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही जो है आप उस ज़मीन में जो है हस्तक्षेप कर सकते हैं, खरीदी ले सकते हैं, तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सरकारी ज़मीन होता है, सरकारी ज़मीन को भी जो मेरा ज़मीन है बोलकर जो बताकर उस ज़मीन को बेच देते हैं, और सेल करने के बाद वो किनारे हो जाते हैं, और भुगतने वाला व्यक्ति जो आपने जब ख़रीदा तो आपको जो है भुगतना पड़ता है, हो सकता है जो है 8 साल 10 साल के बाद उसी को जो है
सरकारी कर्मचारी लोग आते हैं, बताते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है बोलकर बोलते हैं। तो आपने जो मान लीजिए कि अपने लाखों रुपए में कितने लाख रुपए लगाकर आपने ख़रीदा हुआ ज़मीन को, आपने उसको सरकारी ज़मीन जब कोई बता देगा तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी वो अपना ज़मीन को ले ही लेगा, तो उस जगह में आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। पूरा आपने जो भी एक एक रुपये करके जोड़ कर आपने उस ज़मीन को ख़रीदने में पैसा जो पैड किया था, तो वो पैसा आपको जो है वहाँ पर लॉस हो जाती है। तो ये उसमें जो है कितना आपको धोखाधड़ी पड़ जाता है, कितना परेशानी होती है। तो दोस्तों, इंडिया में आप लोग देखते होंगे कि नए नए नियम लागू होते रहते हैं, नए नए नियम चलता रहता है। और दोस्तों, इसमें जो है किसका कब्जा है, मान लीजिए किसी और का रजिस्ट्री रहता है और किसी और के नाम से रजिस्ट्री है और किसी और के नाम पर वो ज़मीन जो है कब्जा है, वो सारी चीज़ें भी देख ताक कर सारी चीज़ें सोच समझ कर ही जो है ज़मीन को खरीदी बिक्री ज़मीन को ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है। पूरा एक एक करके जो है देख दाख कर सोच समझ कर ही ज़मीन को ख़रीदें, ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। आप लोग देख पा रहे होंगे इंडिया में एक से एक जो है नियम आते जाते हैं, तो इस चीज़ सारी चीज़ के बारे में तो आपको नियम को भी कुछ ना कुछ जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कौन सी स्टेट में क्या नियम लागू हो रहा है, कौन सा स्टेट में अभी के टाइम में क्या नियम है। वो सारी चीज़ें जानकारी लेने के बाद ही जो है आपको ज़मीन की खरीदी बिक्री का सौदा करें तो आपके लिए बेटर और अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।